बिग बॉस के घर में हिना खान को लोग एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है से 8 साल में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसका फायदा उन्हें मिलने वाला था। हालांकि जैसे ही शो में शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, प्रियांक शर्मा जैसे प्रतियोगियों ने अपना खेल खेलना शुरू किया, दर्शकों के दिमाग में ये बात आने लगी कि हिना खान के लिए बिग बॉस का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि असलियत में ऐसा कभी हुआ नहीं। शो से जुड़े एक सोर्स ने हमें ये जानकारी दी है कि हिना खान ने शो पर चाहे कुछ भी किया हो लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी घटी नहीं है। सोर्स के अनुसार जब जब हिना खान नॉमिनेट हुई है उनको बचाने के लिए दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट किए हैं। सोर्स ने बताया है कि अगर कोई सोच रहा है कि बिग बॉस 11 के बाद हिना खान की लोकप्रियता कम हो जाएगी तो शो के वोटिंग ट्रेंड्स उसे चौंका सकते हैं। जब भी वो नॉमिनेटेड होती है वो बाकी प्रतियोगियों से वोट्स के मामले में 40% आगे रहती है। अगर हिना खान को वाकई इतना सपोर्ट मिल रहा है तो ये शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त शो में यही 3 प्रतियोगी ऐसे बचे हैं जिनको लोग टॉप 3 के कंटेंडर के रूप में देख रहे हैं। खैर अब जो भी हो, हिना की लोकप्रियता देख तो ऐसा ही लगता है कि वो इस शो की विनर बनेंगी। वैसे आप इस बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।